हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडी एलेट सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश में जो इसका रोल है, आई थिंक बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एट, इन और ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्या रोल होता है, क्या नियम होता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था प्रेपोजिशन क्या है, ठीक है, और उसमें हमने टाइप्स काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल ही शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के क्लासेस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एट, इन, ऑन का मतलब क्या होता है। एट मतलब भी पर होता है, इन मतलब में होता है, ऑन मतलब भी पर होता है। तो क्या डिफरेंट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, एट, इन, ऑन क्या है, प्रोपोजिशन है। तो सबसे पहले ये जानने के पहले आप ये जानो कि प्रोपोजिशन का डिफिनेशन क्या होता है। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है, इसका डिफिनेशन। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अ प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यानी जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इंग्लिश में आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं एट, इन, ऑन का यूज। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसके क्या पूरा रोल नियम होते हैं। उसके बाद वीडियो के एंड में मतलब सब कुछ समझ लेंगे तो हम एक आप सभी से मतलब आप सभी का टेस्ट होगा, इसमें आप सभी का आंसर देना होगा और आप खुद पे ही बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि फॉर टाइम यानी समय से पहले, इन, ऑन, ये सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आई गेट अप 7 इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट और इन। आप यहाँ देख सकते हो ये आपका क्या है, यहाँ पे दोनों ही प्रोपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज बॉर्न इन नवम्बर, आई वॉज बॉर्न ऑन 21 अगस्त। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो एट, इन, ऑन का यूज हुआ है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर प्लेस यानी जगह से पहले, जैसे कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, द क्लर्क इज एट द सीट, रोमा इज इन द रूम। फ्रेंड्स, अभी इससे काम नहीं चलेगा, अभी हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। और फ्रेंड्स, 100% कहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहे तो फिर आप कहना। और मैं कंफर्म के साथ कहती हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आपको इज, ऑन, एट का यूज कहाँ होता है, जितने भी डाउट्स होंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप, अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे हो तो लास्ट में जाके आप अनलाइक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। अब चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। सबसे पहले तो एट, एट का यूज टाइम के लिए। तो एट का यूज सबसे पहले तो हम टाइम का देखेंगे, उसके बाद प्लेस का देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो रूल, एक रूल आप नियम याद कर लीजिए कि घड़ी में दिखने वाला कोई भी समय, आज जैसे कि आपका घड़ी होता है, ठीक है, उसमें कोई भी समय 9, 10, 11, 5, 6 कुछ भी, अगर आप टाइम आपको बताना है तो एट 9 PM, एट ओ क्लॉक, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया, यानी अगर आपको कभी भी टाइम बताना हो तो आप एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरा, जैसे कि अगर रात और दोपहर से पहले, ठीक है, तो अगर रात और दोपहर से पहले हम क्या लगाते हैं, एट नाइट, एट नून। अब बात कर लेते हैं कि क्या इवनिंग और मॉर्निंग के लिए एट का यूज नहीं होगा, तो नो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द
इवनिंग, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं और रात और दोपहर से पहले एट प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, समय के लिए यानी किसी फेस्टिवल या इवेंट से पहले। ठीक है, यानी कोई त्यौहार हो तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं साथ में, आई विल स्टडी एट नाइट, तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन क्या है, एट है, और नाइट यानी रात से पहले हम किसका यूज करते हैं, एट का, तो आई विल स्टडी एट नाइट। ठीक है, आई वॉज बॉर्न एट 10 o'clock भी कह सकते हो या 10 AM भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई विल, तो आप यहाँ देख सकते हो एट क्या है, आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार आई विल गो टू होम एट होली, तो यहाँ आप देख सकते हो होली क्या है, फेस्टिवल है, आपका टू भी हमने कल डिस्कस किया था ना प्रीपोजिशन, तो उसमें जो टू क्या है, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन यानी वो डायरेक्ट, एक टू होता है एक टुवर्ड्स होता है। ठीक है, और टू का यूज कहा जाता है डायरेक्शन यानी दिशा दिखाने के लिए, और एकदम कन्फर्म है कि वो घर पे ही जाएगा, तो इसलिए टू का यूज किया जाता है। अगर वही बात करें कि टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स मान लीजिए नदी, नदी की जो धारा बहती है, तो वहाँ पे हम टुवर्ड्स, उसका मतलब पता नहीं चलता कि वो धारा किधर जाएगी। ठीक है, लेफ्ट या राइट ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन टू वो हाँ कन्फर्म है कि वो वहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कल आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को टाइम यानी एट का यूज़ टाइम कहाँ होता है, तो तीन इसमें याद करने हैं। एक तो घड़ी में कोई भी टाइम हो, कितना भी बज रहा हो, तो उसमें आप एट का यूज़ करोगे। दूसरा, रात और दोपहर के लिए एट का यूज़, और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन का यूज़ किया जाता है, हम इन में देखेंगे। और देखिए, किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट से पहले हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया, और जब आप टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे खुद में आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं इन यानी टाइम के लिए इन का यूज़। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट है कि किसी भी ईयर यानी किसी भी साल या मंथ के लिए, उसमें क्या था कि घड़ी में कोई भी टाइम हो तो उसमें हम ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग सॉरी नाइट और आफ्टरनून के लिए हम ऐड का यूज़ करते हैं, बट यह इन का जो हम यूज़ करते हैं किसी भी साल या किसी भी मंथ के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कि हम अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें एक वर्ड, अगर आप एक वर्ड भी बोलते हो तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ, कोई पूछे कि आप मतलब कि आपको किस दिन आना है, ठीक है, तो अगर मान लो कि उन्हें मंडे को आना है, ठीक है, जो मंडे को आना है तो मंडे हम डायरेक्ट थोड़ी ना कह सकते हैं मंडे, ये आपका वाक्य नहीं होता है मंडे, इसका हम क्या बोलते हैं, ऑन मंडे। तो आप देख सकते हो हर एक, कोई भी एक छोटा हो या बड़ा हो, प्रपोजिशन का यूज होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये तो ऑन का यूज होता है यानी दिन, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट इन में क्या होता है, किसी ईयर यानी कोई साल हो या फिर कोई मंथ हो यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो उसमें हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, ईयर और मंथ के लिए हम इन का यूज करते हैं। और देखिए, हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम मालूम नहीं होता है, तब हम इनका यूज़ करते हैं, यानी हमें उस टाइम के बारे में बिल्कुल करेक्ट नहीं पता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि इन जनवरी, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द चाइल्डहुड, तो हम यहाँ इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन आपका प्रपोजिशन है। एक दो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, आप देख सकते हो इन द क्या है, यहाँ पे मॉर्निंग है, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, इन। अब खुद देखो, ऐड थोड़ी ना लगाओगे, ऐड तो टाइम के लिए लगता है ना, और किसी फेस्टिवल के लिए लगता है, किसी इवेंट के लिए लगता है, तो हम वहाँ ऐड लगाते हैं इन। हम मॉर्निंग के लिए, ईयर के लिए, मंथ के लिए, अगर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका जो टू है ये भी आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब देखिए, माई एग्जाम्स आर इन जुलाई, जैसे कि आप सभी का एग्जाम कन्फर्म है,
90% के आपका एग्जाम जुलाई मंथ में होगा, तो आप यहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे? तो इन क्या है, जुलाई क्या है, मंथ है, तो माई एग्जाम्स आर इन जुलाई, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन, यानी ऑन टाइम, ठीक है, आपको बहुत ही आसानी के साथ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऑन का यूज, यानी किसी भी दिन, अभी जैसे हमने कहा ऑन मंडे, ठीक है, तो किसी भी दिन, डे या डेट से पहले, यानी किसी भी दिन या तारीख से पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माई बर्थडे इज ऑन 3rd January, ठीक है, वी विल गो देयर ऑन मंडे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जनवरी क्या है, मंथ है, मंडे क्या है, तो आपका डे है, तो हम यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है ना कि हम जब कहते हैं कि ऑन का यूज प्लेस के स्थान पे, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम अभी बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑन का यूज होगा, तो ये किसके लिए, टाइम के लिए यूज होगा। अब देखिए एट, तो अब तक तो हमने तीनों देखा टाइम के लिए, अब हम स्थान यानी प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एट का यूज। अब आप सोच रहे होगे कि कितना ज्यादा हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हमने ज्यादा ही कहाँ पढ़ा फ्रेंड्स, हमने एट पढ़ा, तो एट का यूज कहाँ कहाँ होता है, समय के लिए, एक तो दिन के लिए मतलब दोपहर के लिए और एक रात के लिए, ठीक है, उसके बाद किसी भी फेस्टिवल, किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने जैसे कि ऑन का देखा, तो किसी भी डेट और डे के लिए, और इन का किसी भी ईयर और मंथ के लिए, अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मालूम है तब हम इनका यूज़ करते हैं, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद पे खुद याद हो जाएगा। देखिए प्लेस के लिए एट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो किसी खास जगह, यानी कोई खास जगह या प्रसिद्ध जगह कह सकते हो, है ना, कोई खास जगह, मान लीजिए आपका ताजमहल हो गया, है ना, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है, एट ताजमहल, एट कुतुब मीनार। या फिर दूसरा जो होता है, किसी छोटी जगह या छोटे शहर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप किसी गांव में रहते हो, किसी छोटे से जगह में रहते हो, किसी छोटे शहर में रहते हो, तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी होगा इन द मुंबई आता है, तो फिर क्या ये मुंबई जगह नहीं है फ्रेंड्स, ये एक बड़ा शहर है, ठीक है, और ये एट का यूज़ किया जाता है किसी छोटी जगह या किसी छोटे शहर के लिए, तो इसमें आपका गांव आ जाता है। जैसे कि एट द बस स्टॉप, जैसे कि बस स्टॉप क्या है, एक छोटा जगह है, तो हम यहाँ पे एट लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन, क्या द स्टेशन छोटी जगह, तो हम एट का यूज करेंगे। स्टरडे वी वेयर एट ताजमहल, तो देखिए ताजमहल क्या है, एक खास जगह है, तो हम यहाँ पे एट का यूज करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इनका, यानी प्लेस के लिए इनका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये किसी बड़े शहर या देश के पहले, कोई भी देश हो या किसी बड़े शहर के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन मुंबई, इन अमेरिका, इन दिल्ली, ठीक है, तो हम इनका यूज करते हैं, यानी किसी बड़े शहर या देश के पहले हम इनका यूज करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे इन अ ग्लास, इन अ बोतल, इन अ जग, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे इन द रूम, इन द रिवर, ठीक है, इन द ऑफिस, तो हम वहां पे इनका यूज करते हैं, यानी जब आपका रूम क्या होता है, घिरा होता है, तो हम इनका, ग्लास भी क्या होता है, घिरा होता है ना, ग्लास जो होता है, बॉटल होता है, घिरा होता है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट जब घिरा होता है, तो हम वहाँ पे इन द रूम, इन द रिवर, इन द बॉटल, इन द ग्लास, इन ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सी इज सिटिंग इन द कार, तो जो आपका कार होता है वो क्या होता है, घिरा होता है। सी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है आपका, यानी दिल्ली, दिल्ली जो है वो आपका ही बड़ा शहर है। सी लिव्स इन मुंबई, सी लिव्स इन अमेरिका, तो हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन प्लेस, यानी प्लेस का यूज़ कहाँ करते हैं, तो प्लेस का यूज़ करते हैं जब कुछ सतह पर, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन हो गया और वो मेज़ पे रखा है,
तो क्या एक सतह पे रखा है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन टेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो हम वहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आप सभी को बस इतना ही इसमें याद करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन देता है और इसमें से पूछेगा कि यहाँ फिलअप करने के लिए यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन क्या फिल होगा, या फिर ये जितने भी आपका एट, ठीक है, एट, ऑन, इन है, ये आपका क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है, ठीक है। आपको काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन याद होगा जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, तो आपके ये सिंपल प्रोपोजिशन है, ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से इसका देखिए, आप फटाफट इसका आंसर आप कर सकते हो और ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेरा जो एम्सा, मैं चाहती हूँ कि आप आसानी के साथ समझ सके, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए टेस्ट, जैसे कि आपका पहला है कि द बुक इज डैश द बुक्स, तो क्या होगा बताइए फ्रेंड। द बुक इज, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, द बुक इज ऑन द बुक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप खुद ही आंसर कर सकते हो। देखो तीसरा है कि द क्लर्क इज डैश द सीट, क्या होगा बताइए। द क्लर्क इज सीट, सतह पे हमने डिस्कस किया था ना, तो ऑन द सीट। अगला है पीपल बोथ डैश द रिवर, जब चारों ओर से घिरा हो तो हम किसका यूज करते हैं, बिल्कुल सही, यानी इनका यूज हम करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो जितने भी प्रपोजिशन है। अब देखो द क्लास स्टार्ट्स, यानी किसी भी टाइम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, किसी डेट और डे के लिए हम इन का यूज करते हैं, सॉरी ऑन का यूज करते हैं, और किसी ईयर और मंथ के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, द क्लास स्टार्ट्स डैश 9 o'clock, यानी जो आपका इंग्लिश की क्लास है वो स्टार्ट 9 बजे हो गई है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। द क्लास स्टार्ट्स, बिल्कुल सही, यहाँ पे एट 9 o'clock। जैसे कि देखिए आपका है कि ही लिव्स डैश मुंबई, तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही, ही लिव्स इन मुंबई। अगर कोई छोटा शहर होता तो हम वहाँ एट का यूज करते हैं। अब देखिए अगला, राम लिव्स डैश आगरा, आगरा क्या है, एक बड़ा शहर है, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, ऑन आगरा, ठीक है, सॉरी इन आगरा। उसी प्रकार लिटिल जैक सेट डैश अ कॉर्नर, बताइए फ्रेंड्स कॉर्नर, अ कॉर्नर, लिटिल जैक सेट डैश अ कॉर्नर, क्या होगा, ऑन अ कॉर्नर। अब देखिए अगला है द कैट इज अ, ठीक है, द कैट इज अ डैश द मैट, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा द कैट इज अ ऑन द मैट, ठीक है, किसी सतह पे। अगला है द प्रिंसिपल इज अ डैश द ऑफिस, जब घिरा हो तो हम क्या किसका यूज करते हैं, इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, बिल्कुल सही। ही वॉज बॉर्न डैश जुलाई 1990, तो यहाँ पे क्या, जब मंथ हो ईयर हो तो किसका यूज करते हैं, इनका, तो यहाँ पे होगा इन। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा एड का यूज, इन का यूज, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और जितने भी आपके प्रपोजिशन सेस बच जाते हैं हम अगले वीडियो में आप सभी को इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और 100% कहती हूँ ना कि जब एग्जाम में प्रपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप जो है अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है गाइज, मिलते हैं अभी 10 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स, और अगर हाँ आपको पसंद नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।